कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। मीडिया इज द थर्ड आई ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक, एवरीबॉडी। मैंने यहाँ पे दिसंबर 17 में ज्वाइन किया था पुलिस क्वेश्चन। मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट करा था कि आप अपने एरिया में 10 लोगों से सर्वे करें और मुझे फंक्शनिंग ऑफ पासपोर्ट ऑफिस बताएं, क्या ये ठीक है, क्या ये बेटर है या इसमें कुछ गलत है। देखिए, मैं कल इसमें मीडिया में पब्लिसाइज हुआ कि रेड पड़ी, आज मीडिया कंडेम कर रहा है कि रेड नहीं थी, तो क्या मुझे बताएंगे कि व्हाट वाज दैट। देखिए, आई अप्रिशिएट एसीबी के उनकी रूटीन चेकिंग अगर है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, मैंने अभी आपको दिखाया कि वॉज ट्रांसपेरेंट। आप ऑल ओवर इंडिया देखें, ऑल ओवर इंडिया मेरे पास एक महीने का बैकअप है, वीडियो विद ऑडियो। मैं मीडिया से क्यों टच में रहता हूं कि अगर इस ऑफिस में कोई कमी है आप मुझे बताएं। मैं ट्विटर पे हूं, फेसबुक पे हूं, मेल में हूं। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कोई बताएगा कि सर इट्स अ बेटर, आप इसको ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा। अगर मीडिया भी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। मेरा यह होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ओपन होने, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मेरा ये है, देखिए जेएनके में अगर एमईए का ऑफिस है, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस, उसकी फंक्शनिंग क्या है, अच्छी है गलत है। मेरे आने से पहले जो हज का कंसर्न था और आज क्या है, कैन एनीबडी टेल। मैं यहाँ पे कश्मीर की बेहतरी के लिए बैठा हूँ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर। उसमें मेरा ये था जो मैंने अभी बोला कि कल न्यूज ब्रेकअप करी कि ऐसा हुआ, आज उसमें आ गया मीडिया में कि नहीं ऐसा नहीं था, कि डायरेक्टर एसीबी से दैट वाज नॉट द रेट। तो ये मामला क्या, मतलब आप लोगों को ये लगता है कि काम यहाँ अच्छा नहीं है तो आप मुझे बताएं। लॉकडाउन में भी हमने पेंडेंसी क्लियर करी, लॉकडाउन के बाद में अभी कई जगह पे जब कर्फ्यू था तब भी हमने ऑफिस खोला लोगों की बेहतरी के लिए। तो मेरा, मैंने जब मैंने बताया कि मेरे से कल जिससे भी बात हुई बोले सर आप इस बारे में बताएं, मैंने इसलिए बोला आप कल आ जाओ और एक सर्वे करके आओ अपने मोहल्ले में, अपने रिलेशंस में, कि क्या जो फंक्शनिंग पहले थी मेरे टेन्योर से पहले और जो अब है, क्या वो ठीक है कि गलत है। मैं तो मीडिया से ये पूछूंगा ना, आप देखिए जेएनके से हैं, आई एम ऑल्सो सन ऑफ साइल, मैं भी जेएनके से हूँ। और जो मुझे भेजा गया था यहाँ पे, उसके पीछे भी रीजन ये था कि डू अ बेटर फॉर योर स्टेट। क्या मैं उन नाम से पूरा उतरा हूँ, पूरा हूँ, ओपन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, क्या ऐसी ट्रांसपेरेंसी किसी और ऑफिस में है। आप तो सभी ऑफिस में जाते हैं, सभी अफसर से मिलते हैं, मैं वो चीज पूछना चाहता हूँ। आप अगर वो रूटीन चेकिंग में आए, या तो एसीबी स्टेटमेंट देती कि वी कनेक्टेड ए रीट, ठीक, वो प्रेस स्टेटमेंट देती कि हमने रेड कंडक्ट किया और ये हुआ वो हुआ, उन्होंने कंडेम करा कि ना दैट वाज नॉट रेड, तो यार मुझे क्यों फिक्र करते हो। रेड का मतलब क्या होता है, कि अगर कहीं करप्शन प्रवेल कर रही है, किसी ने पैसे मांगे हैं, किसी ने पैसे दिए हैं, एसीबी ने रेड करी एंड कॉल द रेंडेंडेंट, रंगे हाथ पकड़ के उसको ये किया, मेरी समझ में जो है यही है या इसके अलावा कुछ है। जब डायरेक्टर एसीबी ये कहते हैं कि दैट्स अ रूटीन चेक,
ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। मुझे तो अच्छा तब लगता जैसे अब मैंने अभी सबसे पूछा ओपन कि आप मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी फंक्शनिंग के बारे में बताएं कि क्या पासपोर्ट अफसर कश्मीर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या लोगों के ग्रीवेंस जो है वो सॉर्ट आउट हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ कि जब रात को 11 बजे फोन आता है ना कि नागर साहब अम्मी फोन आपका नाम पूछ रही है, अबू आपका नाम पूछ रहे हैं, किस लिए? कि वो कहते हैं कि मैं इसके नाम से दुआ पढ़ूंगी। यार मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मैंने इस चीज को यूज किया है ना। मैंने मेरा सिर्फ ये था कि आप मुझे ये बताएं कि क्या ऑफिस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। जेएनके में हम लोग डिपेंड करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन पे, ठीक। अगर सीआईडी ऑफिस हमें ये लिख के देता है कि नॉट रिकमेंडेड, वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड द पासपोर्ट, अब उसमें सेकंड क्या आता है ऑप्शन? वो कोर्ट में गए उसके बाद में, मैडम महबूबा मुफ्ती जो है उसके बाद में कोर्ट में गई, ठीक। अगर हमें कोर्ट डायरेक्शन देता है तब हम सीआईडी को छोड़ के कोर्ट के आर्टिकल पे जाएंगे। ना हमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी ना हमें सीआईडी ने बोला, तो आप ये बताएं कि अंडर व्हाट कैपेसिटी आई कैन। आप समझ रहे हैं, देखिए जेएनके में वी आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द रिपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम द सीआईडी। Thanks for watching Kashmir News Service.